प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीश पर चौहान और पांचवी वीडियो लेके आप सबके सामने आया हूँ। और लेसन का आप नाम जानते ही हैं, द एलिंग प्लैनेट, रिटन बाय नैनी पालखीवाला। और ये क्लास 11 के एस ए 2 के सिलेबस में है। और द बुक इज हॉर्नबिल, हॉर्नबिल बुक में ये लेसन पांचवे नंबर पे है। और देखते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कहाँ समाप्त किया था। लेट्स रिकॉल व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द वीडियो 4। आओ रिकॉल करते हैं, दोबारा याद करते हैं कि फोर्थ वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। द ऑथर सेज दैट इफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज इंक्रीजिंग एट द प्रेजेंट रेट द डेवलपमेंट बिकम्स मीनिंगलेस। लेखक कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल ना की गई तो जो विकास है हमारे देश का वो अर्थहीन हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है और वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता है। ये चीज़ें आप जानते हैं। मैंने ये भी बताया था कि पॉपुलेशन इज द मदर, ओवर पॉपुलेशन इज द मदर ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन के साथ समस्याएँ जुड़ी हुई हैं। अगर एडमिशन में इतना रश हो रहा है, क्लासरूम भरे पड़े हैं खचाखच और लाइनें लगी हुई हैं एडमिशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए 10 पोस्टों के लिए 10,000 लोग आ जाते हैं कम से कम, और जहाँ देखो भीड़ है, बाजार में जाओ वहाँ भीड़ है, ट्रैफिक देखो ट्रैफिक की भीड़ है, जाम लगते हैं बड़े बड़े, और रेट जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं, उसका कंजम्पशन ज़्यादा है और जो प्राइसेस होते हैं कमोडिटीज़ के जो डेली यूज़ की होती हैं, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती हैं बहुत ज़्यादा। और हर जगह क्राइम रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं ना कहीं है, ओवर पॉपुलेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह से अगर आप समस्या को देखिए, ओवर पॉपुलेशन की तरफ ध्यान दो, कहीं ना कहीं उसका योगदान इन समस्याओं को पैदा करने में है, बढ़ाने में है। तो हम सबको एकजुट होके एक प्रचार करना है देश में। आप एक नेटवर्क हो, नौजवान जितने हैं हमारे देश के बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक नेटवर्किंग करें तो ओवर पॉपुलेशन की तरफ लोगों का ध्यान खींचे ताकि समस्याएं हमारी काम होती चली जाए। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि डेवलपमेंट रुकती है, अर्थहीन हो जाती है, धीमी पड़ जाती है और इसकी स्पीड घटती जाती है। He also says that with the speed of education, health improves. लेखक पालखीवाला यहाँ कहते हैं कि एजुकेशन के स्प्रेड होने से, फैलने से हेल्थ ठीक होता है, आदमी सजग होता है। जैसे आजकल जिम में जाते हैं लोग, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, शहरों में भी और गांव में भी जिम के प्रति एक खिंचाव पैदा हो चुका है आज के यंग ब्लड में, यूथ में, लड़कियां भी लड़के भी, लड़कियां मार्शल आर्ट भी सीखती हैं। तो बॉडी, शरीर को स्वस्थ रखने का एक अवेकनिंग आ गई है लोगों में। तो एजुकेशन के साथ ये चीज़ें फैलती हैं। जब एजुकेशन, ये नहीं है कि आप डिग्री सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लो और ये गारंटी नहीं है, सर्टिफिकेट एक मींस है एजुकेशन, आप किताबें पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप ये मींस है, मींस टू गेट एजुकेशन, पर गारंटी नहीं है। ये रेसिपिएंट पे डिपेंड करता है, लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किताबों में से कितनी एजुकेशन निकाल के अपने अंदर जज्ब कर रहा है। और सही माने में कई एजुकेशन वो होती है, एजुकेशन तो एजुकेशन है, व्यक्ति एजुकेटेड है नहीं है जब उसका बिहेवियर नहीं बदला, उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो नहीं आई, नैतिकता नहीं आई, तो एजुकेशन तो उसके अंदर आई ही नहीं। एजुकेशन किताबों में है, किताबें पढ़ते हैं, पर वो लेते कौन है? ये लेने वाले पर डिपेंड करता है कि एजुकेशन, आदमी कितना एजुकेटेड हो रहा है उसको जज्ब कर रहा है अपने अंदर। ये गारंटी नहीं है कि ये हाईली एजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड ठीक है, लिटरेसी है वो और सर्टिफिकेट्स हैं,
पर गारंटी ह्यूमन बिहेवियर से पता लगती है कि आप कितने ह्यूमन हो, तो वो रियल एजुकेशन होती है। एक अनपढ़ आदमी ह्यूमन है तो एजुकेटेड है, ठीक है, लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है, बट इज एजुकेटेड। फैकल्टी जो हमारे माइंड की है, बिहेवियर की, वो चेंज आ चुकी है। तो इसके साथ, एजुकेशन के साथ ये चीज़ें इम्प्रूव होती है। बट फर्टिलिटी ऑफ लैंड फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो ज़मीन की फर्टिलिटी कम होती जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं फार्मर ऐसे तरीके अपना रहा है जिससे ज़मीन की उपजाऊपन मतलब बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज़ करना, और उपज ज़्यादा लेने के चक्कर में ताकि इनकम बढ़े उसकी, वो एक नेगेटिव मीन्स अडॉप्ट करना, फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइज़र का अंधाधुंध इस्तेमाल करना। इवन सब्जियों में अगर आप देखो, पंपकिन है या कुछ और चीज़ें, गोल्ड टाइप की चीज़ें, उनमें इंजेक्शन लगा के उनको रात के रात किसान, कुछ जो लालची किसान हैं उनको फुला देते हैं, और वो एकदम जो घिया है और चीज़ें हैं सब्जियां एकदम बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो ये क्या है, गलत तरीके। तो इससे क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है, फर्टिलिटी ज़मीन की घटती है, कहीं ना कहीं उसका संबंध यहाँ से है। अनदर हार्ड फैक्ट दैट द ऑथर मेक्स अस अक्वाइंटेड विद, दूसरी कड़वी सच्चाई लेखक हमें अक्वेंट कराना चाहता है, परिचय कराना चाहता है, हमारा एक्वेंटेंस कराना चाहता है, दैट द रिच गेट रिचर, अमीर अमीर बनते हैं और जो पुअर हैं वो कंटिन्यू करते हैं चिल्ड्रन पैदा करना। यहाँ एक तो कोटेशन ये है कि द रिच बिकम रिचर, द पुअर बिकम पुअर, गरीब और गरीब होते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं। तो इस कोटेशन को थोड़ा सा अलग हटके यूज किया गया है, द पुअर कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, जो गरीब तबका है वो बच्चे पैदा करने में विश्वास करता है। कि अगर तर्क देते हैं, हमने भी पूछा है अपने गांव में, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, कि आपके 6 बेटे, एक बेटे से भी काम चल सकता था, 2 से चल सकता था, 6, वो कहते हैं कि 6 एकड़ जमीन के हैं, ये 6 एकड़ जमीन के बराबर हैं 6 बेटे। जैसे किसान, एक एकड़ जमीन है, हम खरीद तो सकते नहीं, बेटे पैदा करके हमने जमीन खरीद ली और वो पैदावार देंगे हमें, वो मजदूरी करेंगे, पैसा लाएंगे बाहर से, और उन्हें ये नहीं पता कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है हमारे देश में। तो परपेचुएट करना, बढ़ा उसको कंटिन्यू करना, चिरस्थाई रखना, पॉवर्टी को इस तरीके से वो हमेशा अपने घर में रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपने घर में मेहमान बना के रखना चाहते हैं पॉवर्टी को। द पुअर पेरेंट्स वेरी ऑफन डू दिस थिंग, और ये गरीब लोग ऐसा करते हैं, ये अधूरा सेंटेंस है, आगे होगा कहीं होगी। द पुअर पेरेंट्स वेरी ऑफन प्रेजेंट ए लॉजिक, और वो गरीब लोग पेरेंट्स एक लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं, दैट मोर चिल्ड्रन इन देयर फैमिली मीन मोर वर्कर्स, परिवार में अधिक बच्चे का मतलब है अधिक काम करने वाले, अधिक वर्कर्स, हु वुड कंट्रीब्यूट प्रोवाइडिंग इन फैमिलीज इनकम, जो परिवार के इनकम में योगदान देंगे। कंट्रीब्यूट करना होता है प्रोवाइड हेल्प, टू प्रोवाइड मोर हेल्प, कहीं ना कहीं योगदान देना इन फैमिली, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट मोर चिल्ड्रन मीन मोर अनएम्प्लॉयमेंट, वो ये नहीं समझते कि अधिक बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाते हैं और अधिक अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, लोग बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा उससे, ये बात उनको समझ नहीं आ रही। The author says that human beings cannot be sterilized, but people do not come forward for getting themselves sterilized. लेखक यहाँ कहते हैं पालकीवाला जी कि ह्यूमन बीइंग्स को तो स्टरलाइज नहीं कर सकते। स्टरलाइज एक प्रोसेस होती है जिसे इम्पोर्टेंट बना देते हैं मेल्स को, वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं रहते। जानवरों को आप कर सकते हैं स्टरलाइज, बट पीपल, लोग अपनी इच्छा से आगे नहीं आते, तो उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते।
तो स्टरलाइज जबरदस्ती नहीं करेंगे, इच्छा से कोई आता नहीं है, तो समस्या वहीं की वहीं है। सो द गवर्नमेंट विल हैव टू मेक चॉइस बिटवीन द टू ऑप्शंस, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एंड परपेचुएटिंग पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट को दो ऑप्शन में चुनाव करना है, एक एक है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और दूसरा है गरीबी को बढ़ावा देना, उसको चिरस्थायी बनाना। पॉपुलेशन कंट्रोल करो तो गरीबी खत्म होती है, अगर गरीबी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते तो समझ लो गरीबी हमेशा के लिए रहेगी। तो एक ऑप्शन लेना है। Until population control is given topmost priority, जब तक population को population control को topmost priority नहीं मिलती, इसको प्राथमिकता नहीं मिलती, the hope for a better condition in the world would die, और जो hope है, आशा है better conditions की लाने की, दुनिया में अच्छे हालात पैदा करने हैं, वो खत्म हो जाएगी और लोग ये अपने हंगरी हार्ट मेंट्स में वही कंडीशन में रहेंगी, जो झुकी झोपड़ियां हैं वहाँ गरीबी का आलम रहेगा, साम्राज्य रहेगा, गरीबी वहाँ रहेगी, मौजूद रहेगी, उसको खत्म नहीं कर पाओगे आप। ऑथर एक्सप्रेसेस हिज सेटिस्फेक्शन ऑन द चेंज दैट हैज अकर्ड इन पीपल ऑफ आवर कंट्री एज दे हैव स्टार्टेड शोइंग कंसर्न फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट। लेखक यहाँ संतुष्टि प्रकट करता है कि एक चेंज लोगों के अंदर आई है, घटित हुई है, और हमारे देश के लोगों में एक बदलाव आया है, एज दे हैव स्टार्टेड शोइंग कंसर्न, क्योंकि उन्होंने लगाव चिंता प्रकट करनी शुरू कर दी है इस प्लैनेट के सर्वाइवल के प्रति, इसको जीवित रखने के प्रति, क्योंकि इसको ये बायोलॉजिकल ये ऑर्गेनिज्म के रूप में माना गया है, विशाल ऑर्गेनिज्म है, जीती जागती एक सच्चाई है धरती। All of us have begun to take a holistic and ecological view। और लेखक को संतुष्टि है इस बात से कि हम सब ने एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू डेवलप कर लिया है, मतलब एक पूरा होलिस्टिकल होल और इकोलॉजिकल इको के इकोलॉजी के प्रति सजगता का दृष्टिकोण, एनवायरनमेंट को बचाने का एक डेवलप कर चुके हैं, बाय विच वी सी द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, और हम दुनिया को इंटीग्रेटेड होल के रूप में देखते हैं, एक वन यूनिट के रूप में देखते हैं, यानी सेग्रीगेटेड पार्ट्स में देखते हैं कि ये भारतवर्ष है, ये पाकिस्तान है, ये अरबियन कंट्रीज हैं, तो अलग अलग, तो फिर वो कट जाती है चीज, एक एज ए होल विश्व को देख रहे हैं ताकि धरती को पूरी को बचाया जाए। द राइटर ऑल्सो टेल्स अस दैट द इंडस्ट्री हैज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेखक यहाँ ये कहते हैं कि इंडस्ट्री का भी एक अहम रोल है, इंडस्ट्री भी प्रदूषण फैलाती है, चिमनी से धुआं उठता है, अगर वो भी इसमें आए आगे बढ़े और रोकें, अपनी चिमनीज पे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगाएं जिससे धुआं चेंज हो जाए, उसमें वो चीज़ें खत्म हो जाए, नष्ट जो हानिकारक होती है। द राइटर एक्सपेक्ट्स मोर बिजनेसमैन लाइक द चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, ये बिजनेसमैन है कोई आगे आए चल के, मतलब खुद वॉलंटियर किया उन्होंने, who declared himself to the company's chief environment office, environmental office जो अपनी कंपनी का उन्होंने स्थापित किया उसका चीफ इन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब बिजनेसमैन इस तरह के और आए बढ़ के और एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने में वो सहयोग दें अपना, लेखक ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। He laid stress on excelling in environmental performance. The writer concludes his article recalling Margaret Thatcher's statement. और Margaret Thatcher की statement है काफी important, वहाँ conclude करता है लेकर, No generation has a free hold on the earth.
कोई भी जनरेशन अपनी मनमानी नहीं कर सकती धरती पे। फ्री वर्ल्ड होता है, मतलब मन मर्जी से करना, कूड़ा गेरो कुछ भी करो। ऑल वी हैव इज द टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। हमारे पास धरती है और ये टेनेंसी है, हमें ये विरासत में जरूर मिली है, पर ये हम किराएदार की तरह है। किराएदार का मतलब ये नहीं होता कि वो मकान में रहे और उसको तोड़ फोड़ करके चला जाए। मकान मालिक कहेगा इसको रिपेयर कराओ, आप हमारे घर में तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, आप इसे गंदा नहीं कर सकते। उसी तरह धरती है, आने वाली जनरेशन से हमने उधार ली हुई है, ना कि पूर्वजों से। आने वाली जनरेशन की ये अमानत है, इसे ठीक ऐसे ही बेटर कंडीशन में देखे जाना हमें। तो ये भाव इसमें लेखक दिखाता है। लीज पे लीगल एग्रीमेंट जैसे होता है कि आप ये अच्छी कंडीशन में रख के जाओगे इसको। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फॉरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने धरती को अपने फॉरफादर से, अपने पूर्वजों से इनहेरिट नहीं किया है, विरासत में मिली है ठीक है, परंतु हम ये अमानत है आने वाली जनरेशंस की, उनसे उधार ली है। और जब हम किसी चीज को उधार लेते हैं उसका ध्यान रखते हैं। अगर कोई गाड़ी किसी से पड़ोसी से लेके जाता है कि एक घंटे के लिए गाड़ी दे दो, वो पूरा ध्यान रखेगा कहीं ठुक ना जाए या कहीं कुछ लग ना जाए, इसमें स्क्रैच ना आ जाए, पूरा ध्यान से। तो वही चीज धरती के साथ है, धरती अमानत है आने वाली जनरेशंस की, तो इसे ध्यान से रखना, प्यार से रखना। और ये लेसन खत्म हो जाता है। तो ये नर्सल में, क्योंकि टाइम बचा है, स्लाइड कुछ इसमें डाली है मैंने, एक व्यू बन जाए, हालांकि लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। और वही नो मोमेंट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, हम स्पीड पे चलेंगे, हैज ग्रिप्ड सो इफेक्टिवली द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस एज द ग्रीन मूवमेंट। लेखक यहाँ से शुरू करता है लेसन को कि आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं चली होगी, कोई ऐसा आंदोलन नहीं चला होगा जिसने ह्यूमन रेस का ध्यान इतने तेजी से खींचा हो, जिसने ह्यूमन रेस का इमेजिनेशन ग्रिप किया हो, जकड़ा हो। नाउ इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट ए वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस इज ग्रोइंग फास्ट। और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि 2000 के आसपास की घटनाएं हैं कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, विश्व में एक जागरूकता फैल रही है। इज ग्रोइंग फास्ट एंड द अर्थ इज कंसीडर्ड एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। और धरती को एक जीती जागती चीज माना गया जिसके हम सब अंग हैं, वनस्पति भी अंग है, ह्यूमन बीइंग भी अंग है, जीव वन्य प्राणी भी अंग है। The author further says that the planet Earth is like an ailing patient whose health is declining. लेखक आगे कहते हैं कि धरती बीमार हो चुकी है। एक पेशेंट की जैसे हालत होती है, बीमार पेशेंट की, वो हालत हमारी धरती की है। इसे ठीक करना है, इसका पतन होता जा रहा है, इसका जो हेल्थ है दिन ब दिन गिरता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। We have started to realize our moral duty, और ये अच्छी बात है कि हम सब ने अपनी मॉरल ड्यूटी समझना शुरू कर दिया, नैतिक कर्तव्य मानना शुरू कर दिया कि धरती को उसकी एलिमेंट से मुक्त कराना है। वी ऑल हैव टू एक्ट लाइक ए गुड स्टीवर्ड, और हमें सबको एक अच्छे मैनेजर की तरह काम करना है। जैसे मैनेजर का फर्ज होता है हर चीज़ को तरतीब में रखना, ठीक रखना, अपने जो भी ऑफिस होता है उसका कार्यस्थल होता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और एक जिम्मेवार ट्रस्टी के रूप में काम करना है, कुछ भी गलत नहीं होने देना धरती के साथ। द प्रेजेंट जनरेशन शुड यूटिलाइज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दीज आर टू बी प्रिजर्व्ड सफिशिएंटली फॉर द कमिंग जनरेशंस यूज। और वर्तमान जो जनरेशन है, वर्तमान पीढ़ी हम सब की, उन्हें धरती के जो खजाने हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आने वाली संतानों के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में उनका हिस्सा बचा रहे, और फिर वो आगे इसी तरह छोड़ के जाएं जितना उनका हिस्सा बनता है। Now man has come to know that he is not the owner of the earth.
अब आदमी को ये पता चल चुका है कि वो धरती का मालिक, इकलौता मालिक नहीं है। ही विल हैव टू शेयर इट विद ऑल द क्रीचर्स एंड वेजिटेशन ऑन इट। उसे शेयर करना होगा धरती को वेजिटेशन के साथ, जितने प्राणी हैं धरती पे, इतनी स्पीसीज हैं, मिलियंस हैं, उनके साथ शेयर करना, उनका भी उतना ही हिस्सा है इसमें। द ऑथर फर्दर पॉइंट्स आउट दैट द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन द अर्थ, दीज आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड आर द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज बाई द ह्यूमन एक्टिविटीज। लेखक आगे चल के कहता है कि चार एरिया जो पिलर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड और क्रॉप लैंड। द डे इज नॉट फार अवे वेन फिशरीज विल कोलैप्स, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन फिशरी खत्म हो जाएंगी, फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे, ग्रास लैंड बदल जाएंगे बैरन लैंड में, वेस्ट लैंड में, इनफर्टाइल लैंड में, बंजर जमीन में बदल जाएंगे, और क्रॉप लैंड ये भी इनफर्टाइल बन जाएंगे, बंजर बन जाएंगे ड्यू टू केमिकल मैन्योर। और अलग अलग कारण इनके, ये अधिक यूज की वजह से, फॉरेस्ट भी अधिक यूज की वजह से, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो क्या विषय होगा। ओवर फिशिंग इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड। ये दुनिया प्रोटीन हंग्री है, प्रोटीन के पीछे भाग रही है, मसल बना रही है। और इन पुअर कंट्रीज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल, और गरीब देशों में फ्यूल की समस्या है, उससे क्या हो रहा है उसका। सो फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है सिर्फ चूल्हे में जलाने के लिए, और फायरवुड फॉर कुकिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन। और जंगल लुप्त हो रहे हैं, तो बहुत सी स्पीसीज हैं जो वन्य प्राणियों की, पक्षियों की या जानवरों की, वो लुप्त होती जा रही है। और द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट सोशल इवेंट्स लाइक कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बोर्न लेबर शैल बी अबॉलिश्ड। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए, ये बुराइयां जाति पाति की, छुआछूत की और लेबर की, बॉडी लेबर की, ये एबोलिश होनी चाहिए हमारे देश से। बट द ग्राउंड रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट, सच्चाई अलग है बिल्कुल। दीज इवल्स आर फ्लरिशिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री शेमलेसली, और ये बुराइयां हमारे देश के एक्सटिंक्शन। और जंगल लुप्त हो रहे हैं, तो बहुत सी स्पीसीज हैं जो वन्य प्राणियों की, पक्षियों की या जानवरों की, वो लुप्त होती जा रही है। और द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट सोशल इवेंट्स लाइक कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बोर्न लेबर शैल बी अबॉलिश्ड। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए, ये बुराइयां जाति पाति की, छुआछूत की और लेबर की, बॉर्न लेबर की, ये एबॉलिश होनी चाहिए हमारे देश से। बट द ग्राउंड रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट, सच्चाई अलग है बिल्कुल। दीज इवल्स आर फ्लरिशिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री शेमलेसली, और ये बुराइयाँ हमारे देश के बहुत से हिस्सों में पूरी बेशर्मी के साथ फैल रही हैं। द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑल्सो वन अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर दैट हैज डिस्टॉर्टेड, और वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसने सारे भविष्य को डिम कर दिया हमारे देश के, या दुनिया के भविष्य को बिल्कुल डिम कर दिया है, उसे नीचे की तल पे ले आए। अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो भविष्य खत्म है। द ऑथर सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी स्टरलाइज लाइक कैटल, फिर लेकर कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स को स्टरलाइज नहीं कर सकते जबरदस्ती पशुओं की तरह, और लोग आते भी नहीं हैं अपनी मर्जी से, पीपल डू नॉट कम फॉरवर्ड फॉर गेटिंग देमसेल्फ स्टरलाइज। सो द गवर्नमेंट विल हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन, तो गवर्नमेंट को चॉइस करना होगा, कोई कानून बनाएगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये गरीबी ऐसी बढ़ती जाएगी। दो ऑप्शन है, कंट्रोल करें पॉपुलेशन को, या फिर गरीबी को कहें कि भाई हमारे घर में रहो, यहीं रहो, आप अच्छे मेहमान हो। तो ऑप्शन दो हैं, या तो गरीबी को ख़त्म करो या फिर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। The writer concludes this article recalling Margaret Thatcher's statement
लेखक कंक्लूड करता है, निष्कर्ष निकालता है इस आर्टिकल का मार्गरेट थेचर की स्टेटमेंट से, नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन द अर्थ, किसी जनरेशन का धरती पे कब्जा नहीं है, वो उसके मालिक नहीं है, मनमानी नहीं कर सकता कोई भी। ऑल वी हैव इज ए टेनेंसी, हम सब किराएदार हैं धरती पे। इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स ऑफ लेस्टर, लेस्टर के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने इस धरती को अपने फोरफादर से इनहेरिट नहीं किया, विरासत में नहीं लिया, बल्कि उधार लिया, आने वाले बच्चों से उधार लिया है, और हमें इसे सही सलामत अच्छी कंडीशन में सौंप के जाना है। तो दोस्तों, ये आपकी वीडियो पाँचों की पाँच आ गई है, लेसन पूरा संपूर्ण हो चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा और आप इसको गहनता से अंडरस्टैंड कीजिए। जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार कीजिए, आपको मैटर यहीं मिलेगा, क्वेश्चंस का मैटर यहीं मिलेगा आपको। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।